दीर्घ दुई दशंधि ऊर्ध समय धरी माननीय मुख्यमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक नेतृत्व में ओडिशा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता दबापाई आम दबी करी आसु पल्ली ठारु दिल्ली पर्यंत ए लड़ई आम करू भारत बर्षर महामहिम राष्ट्रपति आरंभ कर नीति आयोग बैठक में मध्य तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक महोदय ओडिशा को स्वतंत्र राज्यर मान्यता प्रदान करने दीर्घ दिन धरी दाबी करी आसुछन्ते किंतु दुर्भाग्यर कथा एपर्यंत ओडिशार न्यायपूर्ण दाबी प्रति केन्द्र सरकार केवल अविचार करिनाहंती ओडिशा रो ए जो दाबी प्रति सामान्यतम कर्णपात करिनाहंती आज भारतवर्षर प्रधानमंत्री ओडिशा माटीरे कहिकि जाइछंती जे दीर्घ दस वर्ष धरी पर्याप्त अनुदान ओडिशार विकास पई दिया जाइछ किंतु मैं एटी कहि रखिबाकु चाहे गला साधारण निर्वाचन रे ओडिशारु 21 टी संसदीय क्षेत्र रु 20 टी संसदीय क्षेत्र रु भारतीय जनता पार्टी रो सांसद माने प्रतिनिधित्व करुछंती किंतु दुर्भाग्यर कथा गला बजेट रे ओडिशार जो मूल दाबी थिला स्वतंत्र राज्यर मान्यता ताकू तो विचार करागला नहीं किंतु बिहार को 26,000 कोटी एवं आंध्र प्रदेश को 16,000 कोटी जो भली भाव में स्वतंत्र अनुदान दियागला ताकू आपण माने विचार करंतु ओडिशार दाबी की किभली भाव में अणदेखा करा जाइछ आमे आशा करिथिलु गला साधारण निर्वाचन रे ओडिशा रे जो भली भाव रे जनमत जाइथिला ताको किभली भाव रे अणदेखा करा जाइछि ताको आपण माने विचार करिवे सबुबले गोटे कुहा जाए ओडिशा धनी एवं ओडिशा रे बास करथुवा लोक गरीब तार कारण खोजापी गला दुई दशंधि ऊर्ध समय धरी नवीन बाबू नेतृत्व में ओडिशा रे जो विकासमूलक काम करा जाइछि ताकू आपण माने निजे अनुभव करथिबे किंतु क्रमागत भाव रे केन्द्र सरकारंकर केवल अविचार नुह ओडिशा विरोधी षडयंत्र पई ओडिशा आज जो लक्ष्य जो दाबी हासिल करने आमे जो लंबा लड़ई लड़ीलु आमे भावुलु जे चलित साधारण निर्वाचन परे निश्चित भाव केन्द्र सरकार तांकर आभिमुख्य परिवर्तन करिवे किंतु आभिमुख्य तो केवल परिवर्तन हेला नाही मु गोटे कथा कह रखाक चाहे संसदर पटल रे कोइला एवं खनिज संपदर मंत्री कहिथिले जे 10/5/2012 मसिया रे कोइला रो रॉयल्टी रिविजन हेतला एवं ता परवर्ती 14 वर्ष धरी आउ रिविजन हे नाही जहा फल रे राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष आमे 10,000 कोटी टंका रॉयल्टी हरौचे मुटी स्पष्ट भाव में कही रखा चाहे पूर्वांचल आमर जो माननीय मुख्यमंत्री मानकर जो कमिटी रही से पूर्वांचल कमिटी बैठक एवं भारत बर्षर प्रधानमंत्री को तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक बारंबार कही कोइला रॉयल्टी रिविजन करा जाउ एवं 14% रु 20% को अभिवृद्धि करा जाउ ए कोइला रिविजन को किंतु दुर्भाग्यर कथा
ताकु मध्य अणदेखा करा जाइछे जहाँ फलरे राज्य सरकार 10,000 कोटी टंका प्रतिवर्ष हरौछंती। आपण मानु मु कहि रखियाकु चाहे केन्द्र सरकारकर नियम रहिछि प्रति 3 वर्षरे थरे रॉयल्टी रिविजन हवा कथा, कोयला रॉयल्टी रिविजन हवा कथा, एवं से रिविजन तो हेला नाही। 12 वर्ष धरी रिविजन न होबा फळरे राज्य सरकार केते टंका हरैछंती ताकु आपण माने निजे विचार करिवे। एवं द्वितीय कथा, आमर चलित वर्ष सुप्रीम कोर्टर 9 जणिया खंडपीठ जुलाई 24 एवं अगस्त 14 रे गोटे ऐतिहासिक निष्पत्ति नहीं थे सुप्रीम कोर्ट। से निष्पत्ति अनुजाई खनिज अंचल एवं खनिज संपद उपरे सेक्स एवं टैक्स तार अधिकार हला राज्य सरकार कर। एवं सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट थिला से जजमेंट अनुसार 2005 मसीह आमर पूर्वरु 2005 रु आज पर्यंत आमे टैक्स एवं रेवेन्यू ये दुईटी जाक आमे पाइबा पाई राज्य सरकार योग्य। एवं जदि सुप्रीम कोर्टर ये निष्पत्ति कार्यकारी हुए तेबे हाराहारी 2 लक्ष कोटी आम राज्य पाइब। आपण माने जानिछंती भारत वर्षरे जेते खनिज संपद रही जेते मिनरल्स रही तार 50% डिपोजिट रही ओडिशा रे। सबुबले बिजु बाबू कहुतले आमर ये प्राचुर्य भितर ओडिया जाति कहीं गरीब होते रही आमर माटी तले रही रत्न पथर आम रही 480 किलोमीटर बेलाभूमि आम रही प्रचुर मानव संबल ये प्राचुर्य भितर ओडिया जाति कहीं गरीब होके रही तार कारण खोजापी समर्थ होते भारत बर्षर लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पटनायक। आपण जानते जेतेबले नवीन बाबू राज्यर दायित्व नेले सेतेबले मात्र राज्यर कैपेसिटी थिला आमर जो स्टील प्लांट गुड़िक थिला आमर 4 मिलियन टन खाली आमर कैपेसिटी थिला। वर्तमान जेतेबले नवीन पटनायक जो शासन काल भितरे ता बढ़िकी वर्तमान प्राय 90 मिलियन टन रे पहुँचलाणी आमर कैपेसिटी स्टील प्लांट रा कैपेसिटी। आपण भावंतु राज्य रे शिल्प समृद्ध करी गढ़ी तोलिबा पई ओडिशा रे किभली भाव रे गोटिया अनुकूल परिवेश सृष्टि हिच। किंतु दुर्भाग्यर कथा सुप्रीम कोर्ट एई जो निष्पत्ति कले एवं से निष्पत्ति जदि कार्यकारी हुए ताकु खनिज संपद भरा ओडिशा भारत वर्षर एकमात्र राज्य जोठी 50% मिनरल्स रही खनिज संपद अनुपातिक भाव में सबुठारु लाभार्थी हम राज्य सरकार हे ओडिशा सरकार हे। किंतु सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति विरुद्ध केन्द्र सरकार वर्तमान जाइछंती रिव्यू पिटीशन दाखल करछंती सुप्रीम कोर्ट निष्पत्ति के चैलेंज कर। मुँ कही रखा चाहे सबुबले आम गोटे कलंक धरिकी चली थे ओडिशा गोटे गरीब राज्य तार कारण खोजापी गोटे 2 दशंधर ऊर्ध समय नवीन बाबू समर्थ होती ओडिशा को भारत बर्षर गोटे समृद्ध एवं विकसित राज्य केवल करना प्रत्येक क्षेत्र में से गमनागमन ठू आरंभ करी से प्रजुक्ति विद्या क्षेत्र में शिक्षा क्षेत्र में उत्पादन क्षेत्र में जलसेचन क्षेत्र में प्रत्येक क्षेत्र में आज जितेबले ओडिशा गोटे प्रमुख राज्य हिसाब से आम ठिया हीचे से बड़े केन्द्र सरकार जो आभिमुख्य कारण सुप्रीम कोर्ट रे केन्द्र सरकार जो रिव्यू पिटीशन दाखल करछंती ये रिव्यू पिटीशन द्वारा ओडिशार गोटे दीर्घ दिन दाबी केवल आम हरैबानी। मोर आज अनुरोध रहिब माननीय सांसद मानक जो 20 जन सांसद भारत वर्ष को प्रतिनिधित्व करछंती ओडिशार से माने तुरंत भारत वर्षर प्रधानमंत्री की निवेदन करूँ ये जो रिव्यू पिटीशन केन्द्र सरकार दाबी दाखल करछती प्रत्याहार करूँ एवं ओडिशार तार न्यायपूर्ण दाबी पाऊ।
आउ गोटे कथा मुझे कही रखा चाहे आमे गोटे लंबा समय धरी प्राकृतिक विपर्य को सामना करुचे केतेबेले फनी आसी केतेबेले फाइलिन आसी केतेबेले हुडुहुडु आसी केतेबेले महाबात्या आसी उजुड़ी जाइछि ओडिसा उजुड़ी जाइछि ओडिसार अर्थनीति एक उजुड़ा अर्थनीति की धरी एक उजुड़ा राज्य को धरी जेतेबेले ओडिसार विकास को नवीन बाबू आगे नौले से बेले आपण मैंने जानते केवल कोस्टल ओडिसा नुह उत्तर ओडिसा पश्चिम ओडिसा दक्षिण ओडिसा आमर जो भित्तिमि आवश्यकता रही जो आवास योजनार आवश्यकता रही आम गला फनी परे प्राय दाबी करूँ 46 लक्ष हिताधिकारी आमको प्रधानमंत्री आवास योजना जोगे दिया जाऊ किंतु दुर्भाग्यर कथा आज माननीय प्रधानमंत्री जो घोषणा करें निराश होचु ओडिशा रे आमर फनी क्षतिग्रस्त जनसाधारण ठू आरंभ करी 46 लक्ष प्रधानमंत्री आवास योजना पर्यंत आम जहाँ दाबी करूँ से आम संपूर्ण भाव निराश होचु आम आशा करूँ गोटे नूतन सरकार एत बड़ जनाधार पाइला प्राप्त होगापर निश्चित भाव में ओडिशा प्रति अनुरूप भाव प्रधानमंत्री रवेग रमें दीर्घ दिन धरी केन्द्र सरकार ओडिशा विरोधी जो आभिमुख्य निश्चित भाव में परिवर्तन हो आम आशा करूँ किंतु दुर्भाग्यर कथा ओडिशा जो खनिज संपद को नहीं जो आमर 480 किलोमीटर बेलाभूमि एवं मानव संबल को नहीं ओडिशार गरीब हटेबापी ओडिशा को गोटे विकसित राज्य करने नवीन पटनायक नेतृत्व में जो लंबा लड़ाई लड़ी थी निश्चित भाव में केन्द्र सरकार आभिमुख्य निष्पत्ति फल से ही तिमि ही आम रहीबु ओडिशा रे गरीब हटेबार एवं ओडिशा को गोटे गठन करिवार नुआ विकसित ओडिशा गठनर जो स्लोगान दौंस नुआ सरकार से केवल स्लोगान ही रही मु आशा करुच्ची आमर निर्वाचित प्रतिनिधि माने एमपी माने तुरंत प्रधानमंत्री को निवेदन करूँ से ये जो ओडिशा विरोधी जो निष्पत्ति नहीं प्रत्याहार करने।